इस मंच पे खड़ा होने का मतलब होता है सभी को एंजॉय कराना, और सामने ऑडियंस है तो यहाँ पे मैं खड़ा होते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को मैं हंसाऊं एंजॉय कराऊं। सबसे पहले थोड़ा दो लाइन अंग्रेजी का ज्ञान जान लीजिए, इंट्रोडक्शन ही देता हूँ। मायसेल्फ रमेश कुमार एंड आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर। और अभी आप लोगों ने बहुत सारा डांस देख लिया, गाना देख लिया, लेकिन अभी जो माहौल चाहिए वो माहौल बना नहीं, अभी विश्वास अभी तुरंत माहौल बनने वाला है। और ये प्रोग्राम खासकर 5 सितंबर एंड टीचर डे के ऊपर हो रहा है, तो पहले दो लाइन अपने फैकल्टी के ऊपर हो जाए, उसके बाद तो हमारे जो गुरु होते हैं वो एक सड़क के भांति होते हैं, खुद तो अपने मार्ग पे बने रहते पर दूसरों को उनके मंजिल तक पहुंचा देते, तो एक बार जोर से कहिए मंजिल आप सभी फैकल्टी के लिए। करता हूँ मैं दिल से आप सबका सम्मान, करता हूँ मैं दिल से आप सबका सम्मान, आप सभी शिक्षकों को मेरा सच सच प्रणाम। और यहाँ से बीएससी करने के बाद सब किसी का मंजिल अलग हो जाता है, सब किसी का रास्ता, कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई एमएससी करेगा, तो कुछ शायद मेरे अपनों के लिए जो मेरे अपने हैं कि जहाँ तेरी याद रहे और तन्हाई की इस काम की, कि जहाँ तेरी याद रहे और तन्हाई की इस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दो खुदाई की इस काम की, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक पर जहाँ से अपने ना दिखाई दो ऊंचाई की इस काम की। मैंने अपनी लाइफ के 2 साल यहाँ पे गुजार चुका हूँ, 2 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, आप लोग जानना चाहोगे क्या? और लड़की लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग गलत नहीं समझे, क्योंकि मेरा ये नहीं है मोटिव कि आप लोगों को मतलब आप लोगों को ठेस पहुँचाओ, तो इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। इस कॉलेज की लड़कियाँ भी अपने हुस्न पर बड़ा घमंड करती है, कॉलेज की लड़कियां भी अपने हुस्न पर बड़ा घमंड करती है, ग्रामर आती नहीं फिर भी इंग्लिश में बात करती है, और रात भर नींद नहीं आने की वजह क्या हो सकती पता है आप लोगों को? वजह तो आप लोगों को बताए बताने की कोई जरूरत नहीं, मोहब्बत, वजह सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत, मोहब्बत एक ऐसी शख्स है दोस्तों जो हमें रात भर सोने नहीं देते और पता नहीं चलता सुबह कब हो गई, ये मैं नहीं हूँ बस आप लोग हो गई नहीं। तो इस पर ये सारे उन लोगों के लिए जिनका दिल टूटा हो, कौन कहता है टमाटर लाल है, कौन कहता है टमाटर लाल है, लाल तो तुम्हारे गाल है, हिंदी जैसे चाल है, जरा पलट कर देख जाने मन तेरे दीवानी का क्या हाल है। और एक बार जो पहले की लड़के होती थी बहुत ज्यादा संस्कारी होती थी, और अभी के तुलना में थोड़ा देखना चाहिए, पहले की लड़कियां एक गाना गाती थी कि कोई दीवाने को न मारो, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, कि कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, और आज की लड़के कहती है बम का जमाना उड़ा दो शादी को। पहले की लड़कियां गाती थी कि साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, और अभी 2023 की अभी की लड़कियां कहती है कि साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा वरना दूसरा तैयार है। पहले की लड़कियां कहती थी, पहले मतलब 95 की लड़कियां कहती थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, और 2023 की लड़कियां कहती अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। और हमारे अक्षय बात सर यहाँ पे, मैं चाहूंगा उन कितने ऊपर एक साई बोल सर बोल सकता हूँ। आसमान में काली घाट छाई है आज भी हमें अक्षय सर की डांट खाई है, कि आसमान में काली घाट छाई है आज भी हमें अक्षय सर की डांट खाई है, सर कहते हैं सुधर जा पर कैसे सुधरे सर, आज फिर अपनी वाली पटाखा बन के आई है, सफेद साड़ी में जब तुम लाल बिंदी लगाती हो माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, कि सफेद साड़ी में जब तुम लाल बिंदी लगाती हो माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती, तुम घायल करके जाती हो, जो लड़कियों के बाल होते हैं लड़के फंसाने का जाल होते हैं, जो लड़कियों के
बाल होते हैं, लड़के फंसाने का जाल होते हैं, खून चूस लेते हैं हम जैसे लड़कों का, तभी तो इसके होंठ लाल होते हैं। बस एक ज्ञान की बात, हर सिम 5G नहीं होती, हर सिम 5G नहीं होती, हर लड़की रेडी और सीधी नहीं होती। मत बर्बाद कर अपना वक्त इन लड़कियों के पीछे, एक कुत्ते की हो तुम्हें जो कभी सीधी नहीं होती।